सीए के समर्थन में भी अब देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून में लोक अधिकारी मंच ने एक रैली निकाली, तो वहीं बीजेपी भी सीए के समर्थन में एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में जुट गई है। क्या कुछ होगा इसमें, जानिए अगली रिपोर्ट में। देशभर में जहां विपक्ष सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, वहीं सड़कों पर उतरे ये लोग नागरिकता कानून के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां लोक अधिकार मंच ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली की। रैली में भारी तादाद में लोग उमड़े, महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और नागरिकता कानून के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी रैली में पहुंचे और विपक्ष पर निशाना साधा। जो भी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में रैली निकालेगा और जो केंद्र सरकार के समर्थन में रैली निकालेगा, जो सीएए के सपोर्ट में रैली निकालेगा, हम लोग वहां जाएंगे। हमने तय किया है, क्योंकि यह हमने पास किया है सीएए एक्ट, किसी का अहित नहीं है। भड़काया जा रहा है लोगों को, सही तस्वीर रखने के लिए लोक अधिकार मंच ने एक अच्छी पहल की है। मैं लोक अधिकार मंच को बधाई भी देता हूँ। सीए के समर्थन में बीजेपी जनता के बीच जाएगी, 5 जनवरी से देशभर में अभियान चलाएगी। देश के अलग अलग शहरों में गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 50 बड़े नेता जनसभाएं करेंगे। बीजेपी लगातार इस मामले में विपक्ष पर झूठ बोलकर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे भी आज कानपुर पहुंचे और विपक्ष को जमकर घेरा। विपक्ष पर नागरिकता कानून के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। संगीन आरोप है, सीधे सीधे स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष देश की शांतिपूर्ण सारे जटिल समस्याओं के समाधान को पचा नहीं पा रहा है। सारे समाज के विकास की दिशा में मोदी सरकार द्वारा और उसके प्रयास से अनेक सरकारों द्वारा, राज्यों तक में यहाँ की राज्य सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को पचा नहीं पा रहा है, तो वह काम कर रहा है जो एक तरह से आपराधिक कृत्य है। जनता में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना और दुष्प्रचार करना, ताकि जनता गलत दिशा में प्रेरित हो, ये काम करने की दिशा में विपक्ष कर रहा। विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सीएए पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और विपक्ष इस मौके पर सियासी फायदा लेने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी हिंसा के बाद से विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है। देखना होगा कि विवाद कब थमेगा। टीम न्यूज़ नेशन।